आदरणीय महोदय, हमारे इतिहास के इस अत्यधिक कठिन दौर में आपने मेरे प्रति जो विश्वास दिखाया है उसने मेरा हृदय छू लिया है। मैं अनुभव करती हूँ कि हमारे सामने जो इतनी चुनौतियाँ हैं उनमें से हम पहली चुनौती का सफलता से सामना कर चुके हैं, और यही एक ऐसी चुनौती थी जो हमारी पार्टी की एकता के लिए खतरनाक थी। हमने साथ मिलकर पहला कदम उठाया है। मैं आशा तथा ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ और मुझे इस बात का विश्वास भी है कि भविष्य में भी हम साथ मिलकर ही काम करेंगे। जब अपने उद्देश्यों और काम के तरीकों के बारे में सहमति हो तभी एकता का कुछ अर्थ होता है। सदा कांग्रेस के ऊंचे आदर्श रहे हैं। अनेक बार हम अपने रास्ते से भटके हैं, अनेक बार हमने गलतियां की हैं, हमारी बहुत सी कमियां हैं, लेकिन सदा हमारा यही प्रयास रहा है और आज भी है कि हम इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अधिक दृढ़ता से आगे बढ़ें। हम केवल वादों की उलझन में नहीं फंसना चाहते। हम आज समाजवाद शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ है पूरे देश के लोगों की भलाई, गाँव में रहने वाले भूमिहीन किसानों की भलाई जो गरीबी का सबसे बड़ा कष्ट भोग रहे हैं। हमें इनकी भलाई के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए और उन लोगों की भलाई के लिए भी जो कारखानों में काम करते हैं, लेकिन इसके साथ ही हमें देश की उभरती हुई पीढ़ी, देश के युवा वर्ग और बुद्धिजीवियों से भी अपने को अलग नहीं करना चाहिए। हमें उन लोगों की कठिनाइयों पर भी ध्यान देना चाहिए जो सरकारी कार्यालयों में और दूसरे कार्यालयों में काम करते हैं। वे लोग जो हमारी आवश्यक सेवाओं को चलाते हैं, क्योंकि यही लोग भारत के सच्चे लोग हैं। इन सब लोगों की ओर हमें पूरा ध्यान देना चाहिए और यह देखना चाहिए कि हम इन लोगों की अनेक कठिनाइयों और समस्याओं का किस प्रकार तेजी से हल निकाल सकते हैं। आज कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति अथवा पार्टी ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दे सकती जिसमें बड़े बड़े वायदे किए गए हों। स्वतंत्रता के बाद के कुछ वर्षों में हमने बहुत उन्नति की है, लेकिन इसके साथ ही समस्याएं भी बढ़ती रही हैं और आज केवल सही नीतियों की ही मांग नहीं है बल्कि इन नीतियों को तेजी से लागू करने की भी मांग है। आदरणीय महोदय, यह समय कठिन परिश्रम का, साथ मिलकर आपसी विचार विमर्श से और अपने देश के विशाल जन समुदाय तथा सब वर्गों की महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप काम करने का है। यदि हम जन समुदाय से फिर अपना घनिष्ठ संपर्क बनाने में सफल होते हैं और यदि हम इन संपर्क को कायम रख पाते हैं तो भविष्य के कार्य की ठोस नींव पड़ जाएगी। आज हमारे सामने बदली हुई परिस्थितियां हैं, हमें बताया गया है, और यदि आंकड़े सही हैं तो 1994 से वोटों की संख्या में केवल 5% ही उतार चढ़ाव हुआ है, लेकिन फिर भी बेहद बदली हुई परिस्थितियां हैं। आज हमारी पार्टी की ही सरकारें नहीं हैं बल्कि कुछ राज्यों में हम विपक्ष में हैं। हमें लोकतंत्रीय तरीके से काम करने का अच्छा स्तर
कायम करना है, हमें भविष्य में साथ मिलकर काम करना है। जहां कहीं भी विपक्ष देश की भलाई के लिए कोई काम करता है, जहां कहीं हम यह अनुभव करें कि विपक्ष सही दिशा में काम कर रहा है, तो हमें उसके साथ मिलकर काम करना है। हमें अन्य दलों की सरकारों का केवल विरोध के लिए ही विरोध नहीं करना चाहिए, जैसा कि कभी कभी स्वयं हमारी सरकारों के साथ हुआ है। यहाँ संसद में भी हमें विभिन्न तत्वों से मिलकर बने विपक्ष के साथ मिलकर काम करने में कुछ कठिनाई होगी, लेकिन फिर भी हमें लोकतंत्र के रास्ते पर चलना है। हमें पार्टी की उच्च लोकतंत्री समाजवादी कार्य प्रणाली के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करनी चाहिए। मैं यहाँ नीतियों की चर्चा नहीं करना चाहती। मैं समझती हूँ कि आपके साथ मिलकर इन पर चर्चा करने के अनेक अवसर आएंगे। मैं आज सब नए सदस्यों का स्वागत करना चाहती हूँ। हम नए सदस्यों का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि वे लोकसभा के कार्य में मूल्यवान योगदान देंगे और उनकी उपस्थिति से हमारी पार्टी का स्तर ऊंचा उठेगा। इनके साथ ही मैं उन लोगों को भी अपनी शुभकामनाएं देती हूँ जो आज हमारे साथ यहाँ मौजूद नहीं हैं। ये लोग हमारे मूल्यवान सहयोगी रहे हैं। इन लोगों ने सदन की चर्चाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने पार्टी के कार्यों में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। हमें उन परिचित चेहरों का अभाव खलेगा, पर हम आशा करते हैं कि चाहे वे लोग कहीं भी क्यों ना हों, उनकी सलाह हमें मिलती रहेगी। महोदय, स्वतंत्रता के पश्चात देश ने चौमुखी विकास की ओर कदम बढ़ाए तथा विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई जटिल समस्याओं के निदान का प्रयास भी किया। भारतीय गणतंत्र में नागरिकों को मौलिक अधिकार सुलभ हुए, समानता के अवसर प्राप्त हुए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उपलब्ध हुई। जहां अभिव्यक्ति की बात आती है, वहां भारत की भाषा समस्या स्वयं ही सामने आ जाती है, क्योंकि इसका सीधा संबंध जन जन की आशाओं और आकांक्षाओं से है। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का गौरव प्राप्त है, परंतु भारत की अन्य भाषाओं को भी संविधान द्वारा मान्यता दे दी गई है। इसके पीछे संविधान निर्माताओं की मन में भारतीय भाषाओं के प्रति सम्मान की भावना के साथ साथ ऐसी भावना भी विद्यमान रही, जिससे उन्होंने पारस्परिक आदान प्रदान, संपर्क और अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में इन भाषाओं के महत्व को समझा। सभी भारतीय भाषाएं जन गण मन से जुड़ी हुई हैं और इनका संबंध मूलतः हमारी संस्कृति से है। सांस्कृतिक विरासत के रूप में ये भाषाएं अनेक धर्मों, संप्रदायों, विश्वासों और भाषाओं वाले इस देश को एकता के सूत्र में पिरोए हुए हैं। अतः जहां हिंदी को जन जन की अभिव्यक्ति के लिए संपर्क भाषा के रूप में समुचित गौरव प्रदान किया जाना है, वहीं सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करते हुए उनके विकास और पोषण की दिशा में भी आगे बढ़ना है। इसी उद्देश्य से संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 343 में व्यवस्था की है।